नमस्कार। आज की इस व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर ए के गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर कॉर्डेटा एंड एवोल्यूशन के फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत कॉर्डेट्स के करेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन की श्रृंखला में आज के एपिसोड में मैं पीसीज के बारे में डिस्कस करूंगा, पीसीज एंड देयर क्लासिफिकेशन विद करेक्टर्स एंड सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट सब क्लासेस। पीसी, जैसा कि आपको पता है, यू कॉर्डेटा के अंदर आती हैं, वर्टिब्रेट्स में आती हैं। वर्टिब्रेट्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एपोडा और टेट्रापोडा। तो एपोडा मीन्स ए मीन्स नो, पोडा मीन्स लिम्स, अर्थात इनके अंदर लिम्स नहीं पाए जाते हैं। स्विमिंग के लिए यहाँ पर फिन्स पाए जाते हैं। पीसीज की खासियत आपको पता है, मैंने पूर्व व्याख्यान में स्पष्ट किया है कि इनके शरीर पर स्केल्स पाया जाता है। परंतु ये निरपवाद बात नहीं है कि सभी स्पीसीज में सभी फिशेज के अंदर स्केल्स पाए जाते हैं। कैट फिशेज में स्केल्स का अभाव होता है। फिशेज मूल रूप से रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा करती हैं, परंतु यहाँ भी अपवाद है। कॉनिक थाइस की फिशेज, जो कि लंग फिशेज कहलाती हैं, और इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के साथ साथ लंग्स के द्वारा भी होता है, जैसा कि मैंने पूर्व व्याख्यान में स्पष्ट किया था। प्रोटोप्टेरस, नियोसेरेटोडस और लेपिडोसायरिन बहुत इंपॉर्टेंट फिशेज हैं, जो कि गिल्स के साथ साथ लंग्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन करती हैं। यहाँ ऑस्टिक थाइस के अंदर जो स्विम ब्लेडर डेवलप हुआ था, वो स्विम ब्लेडर लंग्स में मॉडिफाई हो जाता है, जो कि फिशेज में लेटरल सरफेस पर होता है। अब हम बात करते हैं पीसीज के सब क्लास के लेवल पर क्लासिफिकेशन की। पीसीज के अंदर तीन सब क्लासेज होती हैं। पहली है कॉन्डिक थाइस, दूसरी है ऑस्टिक थाइस और तीसरी है कॉनिक थाइस। तो कॉन्ड्रिक थाइस, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यहाँ जो एंडोस्केल्टन होता है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनी हुई कार्टिलेज का बना हुआ होता है। कार्टिलेज इवोल्यूशन में सबसे पहले आई थी, इसलिए इनके विकास के क्रम में ही कॉन्ड्रिक थाइस फिशेज का विकास फिशेज के विकास में सबसे आदिम माना जाता है। कॉन्ड्रिक थाइस की फिशेज के क्या करेक्टर्स हैं? सब क्लास कॉन्ड्रिक थाइस का पहला करेक्टर है एंडोस्केल्टन कार्टिलेज का बना होता है। दूसरा पॉइंट है, बॉडी पर इनके प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स कितने प्रकार के होते हैं? प्लेकॉइड, साइक्लॉइड, टीनॉइड, गेनॉइड, ये डिफरेंट तरीके के स्केल्स होते हैं। तो कार्टिलेजिनस फिशेज के अंदर प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। गिल्सलेट्स 5 से 7 जोड़ी उपस्थित होते हैं। कॉर्डल फिन हेट्रोसर्कल प्रकार की होती है। कॉर्डल फिन कैसी होती है? हेट्रोसर्कल प्रकार की होती है। ये खास बात है इनकी। इन फिशेज में नर में मैथुन हेतु इंट्रोमीटेंट ऑर्गन्स या क्लेस्पर्स या मेल सेक्सुअल अपेंडिजेज, जिनको हम कहते हैं, वो पाए जाते हैं। जबड़ों पर नुकीले दांतों के अनेक पंक्तियां उपस्थित होती हैं। दंत विभेदित प्लेकॉइड सेल्स होते हैं, जो कि कार्टिलेजिनस फिशेज की खासियत होती है। गिल्सलिट्स ओपरकुलम के द्वारा ढके रहते हैं। सब क्लास कॉन्ड्रिक थाइस है ये। अब इस सब क्लास कॉन्ड्रिक थाइस में जो ऑर्डर सम्मिलित हैं वो है, नंबर 1 प्लूरोट्रीमेटा। पहला ऑर्डर है प्लूरोट्रीमेटा। यहाँ क्या खासियत होती है? यहाँ गिल्सलिट्स लेटरली होते हैं या पार्श्व में होते हैं। गिल्सलिट्स पेक्टोरल फिन्स स्पष्ट होते हैं। तो ये दो खासियत होती है, गिल्सलिट्स लेटरली होते हैं, पेक्टोरल फिन्स कहाँ होते हैं? लेटरल साइड्स पर होते हैं। एग्जाम्पल्स इसके स्कॉलिडॉन,
कुत्ता मछली जिसको कहते हैं, स्टिगोस्टोमा जिसको कि शार्क है ये, और ये टाइगर शार्क के नाम से भी जानी जाती है। तीसरा एग्जांपल जिग्ना है, जिग्ना के को दूसरे नाम स्फिरना के नाम से भी जाना जाता है, स्फिरना जूलॉजिकल नेम है, इसको हैमर हेडेड शार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसमें खास तौर से आदिम शार्क आती हैं। दूसरा ऑर्डर है हाइपोट्रीमेटा। देखिए प्लूरोट्रीमेटा दूसरा ऑर्डर है हाइपोट। प्लूरो का अर्थ होता है लेटरल साइड में, ट्रीमेटा मीन्स छेद या ओपनिंग, हाइपोट्रीमेटा, हाइपो मतलब लोअर सरफेस पर अर्थात वेंट्रल सरफेस पर, ट्रीमेटा अर्थात ओपनिंग, और ये ओपनिंग क्या है, ये गिल स्लिट्स है, यहाँ गिल स्लिट्स लेटरल सरफेस पर हैं और हाइपोट्रीमेटा में वेंट्रल सरफेस पर है, लोअर सरफेस में। तो प्लूरोट्रीमेटा गिल्स कहाँ है, लेटरली हैं। हाइपोट्रीमेटा में गिल्स कहाँ है, गिल्स वेंट्रल सरफेस पर उपस्थित होती है, ये मेन करेक्टर है इसका, यही विभेदक लक्षण है। दूसरा पेक्टोरल फिन्स बॉडी के पार्स उससे फ्यूज्ड होते हैं, लेटरल फिन्स जो होते हैं पेक्टोरल फिन्स वो बॉडी के पार्स उससे समेकित होते हैं। एग्जाम्पल हैं इसके प्रिस्टिस, शाफिसेस, ट्रिएग्ना, डेसिकेंट्स एंड राजा जिसको स्टिंग रे कहते हैं, टॉर्पिडो, इलेक्ट्रिक रे, इन सब में वेंट्रल सरफेस पर फिर गिल्स खुलते हैं। तीसरा ऑर्डर है होलो सिफेलाई। होलो मतलब एंटायरली, सिफेलाई का मतलब सिर पर है ना, होलो सिफेलाई की फैलाई नहीं, सिफेलाई स्पेलिंग में उच्चारण के हिसाब से कुछ बुक्स में इसको की फैलाई लिखा हुआ है, ये होलो सिफेलाई होते हैं। होलो मतलब एंटायरली सिफेलाई अर्थात इनमें गिल्स मालसल होते हैं, ऊपर क्यूलम द्वारा ढके हुए होते हैं। गिल्स कहाँ होते हैं, मांसल होते हैं, ऊपर क्यूलम द्वारा ढके होते हैं, दंत समेत कित होकर फ्यूज होकर पीसने वाली पट्टिकाओं या क्रशिंग प्लेट्स में विभेदित होते हैं। इनमें केवल एक मध्यस्थित नासा छिद्र होता है और इसका एग्जाम्पल है रेड फिश जिसको कि काइमीरा कहते हैं। ध्यान रखें रेड फिश या काइमीरा, इसमें सिर के ऊपर की सरफेस के ऊपर गिल्स खुलते हैं जो कि ऊपर क्यूलम द्वारा ढके हुए होते हैं। सब क्लास कॉन्ड्रिक्थाइज में तीन ही, प्लूरोट्रीमेटा, हाइपोट्रीमेटा और होलोसीफेला, ये तीन ही ऑर्डर्स हैं। इसके बाद में आता है दूसरी सब क्लास ऑस्टिकथाइज। ऑस्टिकथाइज का अर्थ होता है ऑस्टीन प्रोटीन से मिलके बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है, यहाँ पर अर्थात बोनी एंडोस्केलेटन होता है, अस्थिल एंडोस्केलेटन अंतः का कंकाल होता है, इसलिए इसको ऑस्टिक थाइज कहते हैं। ऑस्टिक ऑस्टीन से बना है और एक थाइज अर्थात फिश, इसलिए ये शब्द बना ऑस्टिक थाइज। शब्द को रटना नहीं है, शब्द की मीनिंग को समझ करके इसका संधि विच्छेद करके फिर आप इसको याद रखेंगे, जीवन भर याद रहेगा। तो ये ऑस्टिक थाइज है, ऑस्टीन प्रोटीन से बना हुआ एंडोस्केलेटन पाया जाता है अर्थात एंडोस्केलेटन बोनी होता है। यहाँ पर जो स्केल्स होते हैं वो टीनॉइड होते हैं, सी टी ई एन ओ आई डी, यहाँ सी जो है साइलेंट है, टीनॉइड बोलते हैं इसको, सी टीनॉइड नहीं, टीनॉइड बोलते हैं। तो टीनॉइड स्केल्स इसके बॉडी पर पाए जाते हैं, इनके बॉडी पर गेनॉइड, टीनॉइड, साइक्लॉइड, इस तरीके के स्केल्स इनमें पाए जाते हैं। गेनॉइड भी होते हैं, ऐसी पेंसर के अंदर इसका एग्जाम्पल है, गेनॉइड, साइक्लॉइड, टीनॉइड है ना, ये स्केल्स इसके बॉडी पर पाए जाते हैं। साइक्लॉइड के साथ साथ इसमें कॉस्मॉइड प्रकार के शल्क भी होते हैं, किन्हीं फिशेज में शल्कों का अभाव भी होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि कैट फिशेज के अंदर शल्क नहीं पाए जाते हैं बॉडी के ऊपर। चार जोड़ी गिल्स उपस्थित होते हैं जो कि ऊपर क्यूलम द्वारा ढके हुए होते हैं। कॉडल फिन्स डाइफाई सर्कल या हेट्रो सर्कल प्रकार के होते हैं, कॉडल फिन्स कहते होते हैं डाइफाई सर्कल या हेट्रो सर्कल प्रकार के होते हैं या होमो सर्कल प्रकार के हो सकते हैं। इसमें सुपर ऑर्डर एक्टिनोप्टेरिजाई होता है, इसमें सुपर ऑर्डर क्या है, एक्टिनोप्टेरिजाई। इसमें फिन्स चर्मी अर्थात डोर्सल फिन या डोर्सल पग कंटिकाओं डर्मल फिन रेज द्वारा अवलंबित होते हैं। पखों पर पिंडकीय पृष्ठ पख
फ्लैशी लोब्ड या स्टार्क्स का अभाव होता है। देखिए फिन्स को हिंदी में पंख कहते हैं और बर्ड्स के अंदर पंख पाए जाते हैं। बिंदी नहीं है यहाँ पर, पख पख के ऊपर प पर बिंदी नहीं है, इसलिए ये फिन्स है। दूसरा पॉइंट, केवल एक अंशयुक्त मध्य स्थित पृष्ठ पख उपस्थित होता है। केवल एक अंशयुक्त मध्य स्थित पृष्ठ पख उपस्थित होता है, ये में उपविभाजित भी होता है। आंतरिक नासा छिद्रों का यहाँ अभाव होता है। चौथा पॉइंट, एयर सैक्स या वायु आशय, जैसा कि एयर ब्लैडर के बारे में हमने बताया था थोड़ी देर पहले, ऑस्टिक थाइस के फिशेज में देखने को मिलते हैं। एयर सैक्स जल संतुलन हाइड्रोस्टेटिस का कार्य करते हैं, मछली को पानी में तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अंदर जो ऑर्डर है कॉन्ड्रोस्टियाई है पहला ऑर्डर। कार्टिलेज के कारण ही इनको कॉन्ड्रोस्टियाई कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें अधिकांश अंतःकंकाल कार्टिलेजिनस होता है, इसलिए इसको कॉन्ड्रोस्टियाई कहते हैं। कॉन्ड्रो ओस्टियाई अर्थात कॉन्ड्रिन या कार्टिलेज प्लस बोनी, दोनों तरह का इसमें एंडोस्केलेटन होता है, इसलिए हम इसका नामकरण क्या हुआ है कॉन्ड्रोस्टियाई ऑर्डर फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टियाई। इसमें अधिकांश अंतःकंकाल उपास्थि होता है, कार्टिलेजिनस होता है, किंतु शीर्ष क्षेत्र को चर्मी अस्थिल कंकाल घेरे होता है। बॉडी पर कैसे स्केल्स होते हैं, बॉडी पर यहाँ गेनोइड प्रकार के शल्क पाए जाते हैं। इनमें शल्क जो है वो गेनोइड प्रकार का होता है, टेल हेट्रोसर्कल प्रकार की टेल जो होती है हेट्रोसर्कल प्रकार की होती है। पॉलिप्टेरस इसका एग्जांपल है, एसिपेंसर इसका एग्जांपल है। दूसरा ऑर्डर है होलोस्टियाई। होलोस्टियाई के अंदर क्या होता है, इसमें अंतःकंकाल का अधिक भाग अस्थिल या बोनी होता है, शीर्ष भाग का कंकाल चर्मी या अस्थिल पट्टिकाओं या बोनी डर्मल प्लेट्स का बना हुआ होता है। गेनोइड सेल केवल शीर्ष भाग तक ही सीमित होते हैं, शेष देह पर साइक्लोइड सेल्स पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है एमिया, बोन बो फिश भी कहते हैं, लेपिडोस्टियस ओसियस इसका दूसरा जिसको गारपाइक कहते हैं इसका एग्जांपल है। तीसरा ऑर्डर है टीलियोस्टाई। टीलियोस्टाई में क्या होता है, संपूर्ण अंतःकंकाल जो होता है वो बोनी होता है। टीलियोस्टाई, टीली मतलब एंटायरली, ओस्टाई मतलब संपूर्ण रूप से बोनी, तो इसमें संपूर्ण अंतःकंकाल बोनी होता है और यहाँ जो स्केल्स होते हैं वो टीनोइड प्रकार के होते हैं। यहाँ जो स्केल्स पाए जाते हैं टीनोइड होते हैं, साइक्लोइड या टीनोइड प्रकार के शल्क देह को ढकते हैं। किन्हीं में शल्कों का अभाव होता है, जैसे कैट फिश जिनको हम कहते हैं। टेल इनमें होमोसर्कल प्रकार की होती है और इसके एग्जाम्पल्स हैं क्लेरियस कैटफिश है, वेलेगो कैटफिश है, हेट्रोपनिस्टिस हेट्रोपनिस्टिस फॉसिलिस इसका पूरा नाम है, लेबियो लेबियो रोहिता ये कार्प है, इसको रोहू के नाम से भी कॉमन नेम से जाना जाता है, चन्ना चन्ना पंक्टेटस इसका दूसरा नाम, ओफियोसेफेलस भी है, इसको स्नेक हेडेड फिशेस भी कहते हैं। वेलेगो भी इसी के एग्जाम्पल में सम्मिलित होती है। तो ये टीलियोस्टाई के बारे में बात हो गई। इसी में और एग्जांपल्स हैं, इसमें एनाबास है, क्लाइंबिंग पर्च इसको कहते हैं, एंगुला है, एंगुला या बोन बिलोन भी कहते हैं, हेमी रैमस रैम्पस भी कहते हैं, हेमी रैम्पस या हाफ बीक इसको कहा जाता है, हेमी का मतलब आधा, रैम्पस का मतलब बीक, हाफ बीक भी इसको कहते हैं। एक्जोसीटस फ्लाइंग फिश होती है, उड़न मछली होती है, ये क्लाइम करती है, उड़ती नहीं है क्लाइम करती, इसलिए इसको फ्लाइंग फिश कहते हैं। टेट्राडॉन है, टेट्राडॉन ग्लो फिश होती है, गोल होती है इसलिए राउंड होती है, इसलिए इसको ग्लो फिश कहते हैं। पफर फिश के नाम से भी जानते हैं, पफर फिश इसका एग्जाम दूसरा नाम है। डायोडोन है, पोर्क्यूपाइन फिश कहते हैं इसको, डायोडोन को। हिप्पोकैम्पस है, सी हॉर्स इसको कहते हैं, हिप्पोकैम्पस। फिर सिंगनेथस है, पाई फिश या प्लूरोनेक्टिस एंड साइनोग्लोसस फ्लैट फिश साइनोग्लोसस होती है, सोल इसका दूसरा नाम है। इकिनीज या शकर फिश,
एकिनीज है, ECHENEIS एकिनीज, अर्थात शकर भी, इसको रिमोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज मैं कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस के बारे में स्पष्ट कर चुका हूँ। कल अपने लेक्चर में मैं, अगले लेक्चर में मैं कोइनिक थाइस के बारे में बात करूँगा। थैंक यू।